झारखंड हाईकोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। यह याचिका उनकी संपत्ति की सीबीआई जांच करवाने के लिए दायर की गई थी। इस दौरान कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को रिवाइंडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब कोर्ट इस जनहित याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी और एसीबी ने अब तक इन लोगों पर क्या कार्रवाई की है उसे न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ को जानकारी दी है। ईडी और एसीबी ने प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि वीरेंद्र राम की 39 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी तरफ से 9 मई से ही वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच शुरू करवा दी गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि वीरेंद्र राम के संपत्ति की जानकारी विभाग के मंत्री को ना हो। सभी भी साठ गांठ से भ्रष्टाचार किया है, ऐसे में मामले को सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के आवास से नवंबर 2019 में 6.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। ये सारे रुपए वीरेंद्र राम के थे तो विजिलेंस टीम इसकी जानकारी क्यों नहीं लगा पाई। सिर्फ सुरेश प्रसाद को जेल भेज दिया गया, बाकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जांच की गई। ऐसे में अब सीबीआई जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि एसीबी की तरफ से आय विभाग को भी राशि प्राप्त होने की जानकारी नहीं दी गई है। एसीबी की तरफ से आगे की कार्रवाई भी नहीं की गई है। जेटीएन न्यूज़ ब्यूरो रांची।